आप आईएएस के दैनिक हिंदी संपादकीय विश्लेषण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, जिसमें से पहला आर्टिकल अपना होगा नागरिकता संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल है, जो कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 में सरकार के द्वारा लाया गया था ना। हालांकि वो मतलब कि पारित नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी उसमें से जो उसकी उसके एडवांटेज हैं, उसमें से जो भी अभी चुनौतियाँ मतलब कि उसमें जो जो भी कमियाँ यहाँ पास अभी उसमें मौजूद हैं, है ना, तो जो इसको नए सिरे से जब इसको लाया जाएगा तो उसमें क्या चीज़ें क्या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, तो इसमें यहाँ पास जो है तो राइटर के द्वारा कुछ सजेशन दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये, एम नागेश्वर राव जी का आर्टिकल है, जो कि आईपीएस भी हैं, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हमें अपने मेंस राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और इसको आप पेपर टू के उस पर पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ना। तो एक ही हो गया, और दूसरा अपना आर्टिकल है वैश्विक व्यापार में बढ़ाने की भागीदारी। ये अपना आरसीईपी से रिलेटेड आर्टिकल है ना। तो ये अपना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का जो भी हाल ही मतलब कि उसकी बैठक भी चल रही है, तो उसमें जो अपना ये इसमें है मतलब कि क्या इसके भारत के लिए किस प्रकार से ये उपयोगी साबित हो सकता है ना, और किस प्रकार से जो है तो एक प्रकार से व्यापार के दृष्टिकोण से जो है तो ये कितना ज़्यादा उपयोगी हो, इसमें से क्या भारत के साथ समस्याएँ देखने को यहाँ पास मिल सकती है, और क्या इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, तो उससे संबंधित इस आर्टिकल में काफ़ी अच्छा डिस्कस किया गया है। तो इस आर्टिकल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसको आप पेपर थर्ड के उस पर देख सकते हैं, है ना। काफ़ी बढ़िया आर्टिकल है। और अपना नेक्स्ट आर्टिकल जो होगा, जो कि लास्ट है, ये है जनसंवाद ही रास्ता, जो कि अपना जैसे कि अभी इसमें मतलब कि पिछले अभी हाल ही एग्ज़ाम में जो है तो ऐसे में क्वेश्चन भी आया था कि वास्ट मीडिया से रिलेटेड, तो उसी पे ये मीडिया से रिलेटेड आर्टिकल है। बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है ना। ये अश्विनी भटनागर जी का आर्टिकल है। तो इसमें जो है तो इन्होंने मतलब कि मीडिया को बहुत ही बेहतर तरीके से एक प्रकार से परोक्ष रूप से व्यंग्यात्मक लहजे में इसमें मतलब कि इसको काउंटर करने का प्रयास किया है, और साथ ही साथ कुछ उन्होंने सुझाव भी दिया है ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। उन्होंने बहुत ही सधे हुए ढंग से जो है अपने व्यू भी रखे हैं यहाँ पास, और इसमें से उनकी हालाँकि थोड़ी सी भाषा दार्शनिक अंदाज में थोड़ी सी तत्समी तो है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है इसको, है ना। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम चलते अपने पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि नागरिकता संशोधन से रिलेटेड वाला आर्टिकल था, है ना। तो जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि यदि हम अपने संविधान में दें आर्टिकल एक की ही बात करते हैं, जैसे हमारे संविधान में ही जो है तो यहाँ पास स्पेशल स्पेशल तौर पे मेंशन किया गया है कि इंडिया और भारत दो चीज़ों का जिक्र किया गया है ना। उसमें से एक तो इंग्लिश में भी उसका प्रयोग किया गया है, और साथ ही साथ जो है तो उसमें से भारत भी उसमें उल्लेखित किया गया है। तो इसके पीछे जो हमारे संविधानविद है तो उनका एक दृष्टिकोण भी था, ऐसी ये दोनों टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं किया गया है ना। इसमें से उनका कुछ दृष्टिकोण भी था, जो कि स्पष्ट तौर पे जैसे कि बात करते हैं कि इसमें इससे ऐसा मत था कि इंडिया जो है तो एकदम नया नाम था, है ना, जबकि जो भारत है तो भारत की जो है तो हमारी एक प्रकार से जो प्राचीन पुरातन संस्कृति है, सदियों से चली आ रही थी, उस सभ्यता को इंडिकेट करता है ये भारत शब्द, है ना, जो एक है ना, तो उससे रिलेटेड है। अब यदि हम बात करें कि जैसे कि भारत की इसमें जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, है ना, और सिख जैसे ये दुनिया के जो चार प्रमुख धर्म हैं, तो ये जो है तो ये भारत में ही जन्मे धर्म हैं, ठीक है। तो इन्हें हम इंडिक धर्म, इनको इंडिक धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि जो है तो इनका उद्भव जो है प्रसिद्ध चारों धर्मों का भारत में ही हुआ है। साथ ही जो है तो भारत नाम ये जो है तो हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के मूल्य को भी दर्शाता है। दूसरा यह कि जैसे भारतीय राज्य हमारी प्राचीन सभ्यता की विरासत का प्रतिनिधि एवं संरक्षक भी है। तीसरी यदि बात की जाए तो प्रस्तावना में जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता की भी बात की जाती है, तो उससे रिलेटेड जो उसके निहितार्थ की यदि बात की तो वो भी जो है तो हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है तो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी ये सभ्यताएं जो है तो एक प्रकार से हस्तांतरित होती रहती हैं, है ना। तो अब यदि हम बात करें कि जैसे संविधान की जो नैतिक बाध्यता यही है, यही मतलब कि यही यदि हम इसके परंपरागत और हमारे जो प्राचीन सभ्यताओं संस्कृतियों से यदि हम उनके समागम से यदि बात करते हैं, तो जो संविधान के उसी से रिलेटेड आगे जो संविधान हमारा आया, तो संविधान की भी जो नैतिक बाध्यता है तो वो भी है कि वह व्यापक रूप से हमारी प्राचीन सभ्यता को पोषित कर उसके मूल्यों को हमारे राष्ट्र एवं उसके जो नागरिक हैं उसमें एक प्रकार से रोपित करती रहे, है ना, उसको आगे बढ़ाती रहे सतत तरीके से,
और ये जैसे देखा जाए कि भले ही हिंदुओं की 1 अरब से ज़्यादा आबादी है यहाँ पास, लेकिन ये यहाँ पास ये भी देखा गया कि लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। नेपाल को यदि अपवाद के रूप में यदि हम छोड़ दें तो केवल भारत ही जो है ऐसा है जो कि हिंदू बहुसंख्यक वाला देश है ना। अब यदि देखा जाए कि जैसे कि भारतीय भूमि पर जो ये बड़े धर्म 4 धर्म हुए थे, साथ ही साथ इनके अतिरिक्त भी अन्य धर्म जो है उनके अनुयायी भी है, तो ये भारत इनका आश्रय स्थली के रूप में रहा है ना। यदि हम इसको प्राचीन उससे यदि हम इसको इंटरलिंक करने का प्रयास करते हैं कि क्यों, जैसे कि हमारे नागरिकता संशोधन विधेयक में ये 6 धर्म और ये 3 देशों से ही संबंधित क्यों है, तो उससे संबंधित ये जो है तो आर्टिकल में इन्हीं चीज़ों को एक प्रकार से एक बैकग्राउंड के ढंग से यहाँ पास बात की जा रही है कि यदि हम पहले से मतलब कि इतने सारे धर्मों का एक प्रकार से भारत आश्रय स्थल ही रहा है ना, उनकी पृथ्वी भारत की जो सभ्यता का एक प्रकार से जिम्मेदारी है। और आर्टिकल हमारे 25 में भी आर्टिकल 25(2) के उसमें भी मेंशन किया गया, जैसे कि हिंदुओं के साथ ही जैसे बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, तो उनको भी इस चीज़ पे एक प्रकार से श्रेणीबद्ध किया गया है। लेकिन यहाँ पास इस चीज़ को भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये वास्तविकता भी है कि इन सभी के होते हुए भी जैसे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पास जो है तो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार जो है, तो ये जो देश ये जो धर्म धर्म हैं तो इनके लोग जो है तो उत्पीड़न का शिकार भी हो रहे हैं, है ना। अब इसमें से बात की जाए जैसे कि बौद्धों के अलावा शेष को तो शरण लेने के लिए कोई और देश नहीं सोचता है ना। जैसे बौद्धों के लिए तो ठीक है, उनकी मतलब कि उनके अनुकूल काफ़ी मतलब मिल जाएगा है ना। जैसे कि हम बात करें कि म्यांमार में भी है, थाईलैंड में भी है, इधर साइड है, तो इस तरह तो उनके लिए तो मतलब कि शरण लेने के लिए और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन वे अन्य जो है तो उनके लिए तो एक प्रकार से भारत ही विकल्प के रूप में दिखता है ना। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि इसी संदर्भ में देखा जाए कुछ जैसे लोग आए है ना शोषित अन्य उससे जो अल्पसंख्यक थे देशों से, तो जो शोषित होकर के भारत में जिन्होंने शरण ली, तो वे तो अपना वहाँ से जो तो पूरा एक प्रकार से पूरा छोड़ करके वहाँ से ज़मीन हर चीज़ें छोड़ करके आया, वहाँ पास एक अच्छे और गरिमापूर्ण जीवन जीने की एक लालसा लेकर आए थे। तो निश्चित तौर पर वहाँ पास यदि ये यहाँ आ गए हैं है ना और लंबे अरसे से वो रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें भारतीय नागरिकता की भी एक दरकार है ना। जब नागरिकता मिलेगी तो वो तो तभी तो पूरी तरह से भारत के नागरिक माने जाएंगे और उनको पूरे अधिकार और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक मिल पाएगा है ना। तो यहाँ पास जैसे कि यदि हम ट्रिप्स समझौते के तहत जिस प्रकार से संसद ने भौगोलिक संज्ञा के जो GI टैग वगैरह अपनी विप्रो विप्रो से रिलेटेड जो चीज़ें थी, तो उसके संबंध में ये 99 का जो एक्ट पारित कर लिया था है ना। इच्छा शक्ति की बात की जाए तो अगर भौतिक वस्तुओं को लेकर यदि इतनी ज़्यादा मतलब सरकार मतलब इतनी संजीदगी दिखा सकती है, तो क्या इन जो शोषित लोग हैं तो इनके प्रति उस प्रकार की गंभीरता नहीं दिखाई जा सकती क्या, है ना। जैसे कि हम थोड़ा सा यदि ट्रिप्स के बैकग्राउंड में जाते हैं, तो ट्रिप्स ये जो अपना 99 के ये समझौता था ट्रेड्स है ना, ट्रेड्स रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स ऑफ यदि बात किए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड आर्टिकल था है ना, जिसमें से अपने जो बौद्धिक संपदा से चीज़ें थी, बौद्धिक संपदा से संबंधित जो चीज़ें थी ना, तो उसी में जो है तो अपने एक प्रकार से राइट्स उसमें दिए गए थे तो उसे संबंधित है। तो उस प्रकार की यदि भौतिक वस्तुओं से रिलेटेड जिस तरह की यदि इच्छा शक्ति सरकार दिखा सकती है, तो निश्चित तौर पर ये तो फिर धार्मिक लोगों की बात हो जाती है, तो उस पर तो निश्चित तौर पे सरकार को इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत होती है ना। और हमारी प्राचीन सभ्यता के जो प्रतिनिधि ये जो एक प्रकार से प्रतिनिधि ही रहे हैं, तो संविधान में जो नैतिकता है तो हमारे सभ्यतागत आचार विचारों से जुड़ी है। ऐसे में भारत भूमि पर जो जन्मे धर्म हैं उनके अनुयायियों की भी बेहतरी सुनिश्चित करना भले ही भारत के संवैधानिक बाध्यता तो नहीं है, लेकिन सभ्यता का दायित्व तो जरूर है ना। तो यदि इसी संदर्भ में हालांकि अपनी पिछले ये सरकार ने भी प्रतिबद्धता इस मामले में व्यक्त की है, तो भारत जैसे भारत उत्पीड़ित हिंदुओं के लिए स्वाभाविक आश्रय स्थल बना रहेगा, उन्हें यहाँ शरण दी जाएगी, इस प्रकार का तो आश्वस्त किया गया है सरकार को द्वारा। तो इसी प्रयोजन के संदर्भ में जो नागरिकता संशोधन विधेयक बिल 2016 भी लाया गया था है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैब भी कह देते हैं है ना, तो सिटीजन चार्टर जो ये बिल है, तो इसी में से यदि हम बात करें कि जैसे इसको ये तो हालांकि पूरी तरह से पारित नहीं लंबित ही रह गया है, लेकिन समस्या इसके पीछे जैसे आ गई थी कि ये असम NRC वाला मुद्दा आया गया था, तो उसकी जो अंतिम सूची की उससे जो है तो ये मामला पेंडिंग ही रह गया है ना ये बिल। तो अब इसको पारित कराने की तो प्रासंगिकता निश्चित तौर पर NRC के मुद्दे के बाद तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो अब इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें 2016 के जो मतलब कि ये बिल लाया गया था, तो उसमें कुछ खामियां भी थी ना, तो उन खामियों पर भी हम अब जब नए सिरे से इस बिल को लाया जाए तो उसकी जो कुछ कमजोरियां उसमें जो कमियां थी तो उसको निश्चित तौर पर निष्पादित करने की ज़रूरत है,
तब जाकर के मतलब कि उसको नए सिरे से प्रस्तुत करने की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर राइटर्स इसमें जो कुछ कमियाँ हैं तो उसको भी यहाँ पर सुधारने का प्रयास करते हैं, है ना। तो यदि हम इसमें बात करते हैं कि क्या क्या कमियाँ उस पे बिल में थी, तो पहली कमी की बात की जाए तो इसमें क्या था कि जैसे धार्मिक उत्पीड़न की बात की है तो उसमें केवल तीन ही देशों को, जैसे कि इसमें तीन देश कौन कौन से थे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो इन केवल तीन ही देशों के लोगों को सीमित मतलब कि शामिल किया गया था, है ना, उत्पीड़न के मामले में अल्पसंख्यकों को। और साथ ही साथ यदि बात करें कि यदि हम इस तरह की बात करें तो फिर तो जैसे कि ये इंडिक धर्मों के अनुयायियों का केवल इन तीन देशों से ही उत्पीड़न होता है, ऐसा तो नहीं है, है ना। जैसे कि हम यहाँ पास एक रिपोर्ट का भी हवाला यहाँ पास दिया गया है कि जैसे हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें से भी ये चीज़ देखने को मिली कि जो हिंदू अमेरिकी छात्र हैं उनको एक प्रकार से लगातार प्रताड़ित ही किया जा रहा था, है ना। उन तो उनके साथ भी इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल ही रही हैं, तो वे भी तो सामाजिक रूप से एक प्रकार से अपने आप को बहिष्कृत महसूस करने लगे हैं। तो ऐसे में जैसे कि नए कानून बने तो उनमें सभी देशों को शामिल करने की यहाँ पर जरूरत व्यक्त करते हैं, है ना, कि उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर यह की गई है कि जो इस ये जो कानून मतलब कि ये जो बिल लाया गया था तो इसमें जैसे इन तीन देशों के जो सभी अल्पसंख्यक है उनको शामिल किया गया था, है ना। तो इसमें से जब इनको शामिल किया गया तो ये बिल्कुल भी मतलब कि सिर्फ तीन ही अल्पसंख्यकों को, तीन देशों के ही अल्पसंख्यकों को शामिल करना है, ये बिल्कुल तार्किक नहीं है, है ना। जैसे कि यदि बात करते हैं कि यदि भारत के संदर्भ में यदि बात किया जाए, जैसे गैर इंडिक धर्मों के जो लोग हैं उनके लिए, जैसे कि गैर इंडिक बात यहाँ पास जो है कि जो चार धर्म थे जो भारत में ही जिनका उद्भव हुआ है तो वो तो इंडिक हो गए, और जो जिनका उद्भव भारत में नहीं हुआ है वो गैर इंडिक है ना। तो यदि यहाँ पास यदि बात करते हैं कि यदि भारत तो न सिर्फ इंडिक धर्मों के लोगों के लिए एक प्रकार से आश्रय स्थल रहा है, बल्कि जो गैर इंडिक धर्म थे जैसे कि यहूदी की बात की जाए, पारसी है, इस प्रकार के जो अन्य धर्म है उनके लिए भी एक प्रकार से भारत जो है तो अपनी भूमि से इनको भी एक प्रकार से जो है तो एक आश्रय देता रहा है ना। तो अब जिन्हें जो है तो यदि वो भी अपनी भूमि से निष्कासित कर दिए जाते तो उनको भी भारत ने एक प्रकार से आश्रय ही प्रदान किया है ना। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि अब उन्हें तो जैसे कि ईसाई और मुस्लिमों पर ये बात तो लागू नहीं की गई इसमें, है ना, जो कि किसी भी बहुल जैसे कि ईसाई बहुल या मुस्लिम बहुल देश में एक प्रकार से शरण ले सकते हैं, उनके पास तो विकल्प है ना। अब यही बात यदि हम बात करें यहूदियों के लिए, तो यहूदियों के संदर्भ में अब तो एक प्रकार से जैसे इसराइल एक यहूदी बहुल देश है तो वहाँ भी एक प्रकार से विकल्प इनके लिए उपलब्ध है ना। अब अपना एक अलग देश उनके लिए हो चुका है, तो पहले से ही आबादी के बोझ में यदि भारत एक प्रकार से मतलब वैसे भी ज़्यादा आबादी का बोझ सह रहा है तो अपने देश में हम और अनावश्यक भार नहीं बढ़ा सकते हैं ना। तो इस दिशा में थोड़ा सा भी मतलब कि इसमें भी एक प्रकार से समीक्षा करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि इसमें से जो छह धर्म शामिल करने के प्रयास किए गए हैं तो उसी के संदर्भ में यह बताया गया, जैसे कि इसमें से ईसाई को भी इंक्लूड किया गया है ना, तो इसमें भी मतलब कि एक प्रकार से समीक्षा करने की ही ज़रूरत है ना। साथ ही साथ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई ये हैं, तो इनमें से भी जो है तो मतलब कि जो मतलब ज़्यादा जिनको आवश्यकता है तो उन पे ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर फोकस करने का प्रयास किया गया है राइटर के द्वारा। साथ ही साथ जैसे कि इसमें जनसंख्या के भार की संदर्भ में यदि बात किया तो मतलब कि अपने प्रधानमंत्री ने भी इस संदर्भ में ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है कि जो है जनसंख्या मतलब तीव्रता से मतलब ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में जैसे भारतीय नागरिकता को केवल इंडिक धर्मों के अनुयायियों और पारसियों तक ही सीमित रखना ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो वहीं राइटर के द्वारा जो तीसरी बात की गई है तो उसके संदर्भ में उन्होंने बताया कि जैसे कि विशेषज्ञ जो हैं तो वो ये जो बिल लाया गया था 16 का, तो उसमें जो संवैधानिक वैधता की बात है उसको लेकर के लोगों ने सवाल खड़े किए थे, तो निश्चित तौर पे इसको जो है तो कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है ना, चाहे अभी हो या कि इसको नए सिरे से जब पेश किया जाए तब भी इसको चुनौती दिया जा सकता है अदालतों में, तो फिर तो निश्चित तौर पर ये उसी तरह से मामला फिर लंबित हो जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा। तो इस तरह देख इसमें भी जो है तो एक प्रकार से नागरिकता अधिनियम में संशोधन से पहले थोड़ा संविधान को ज़्यादा मतलब कि पहले संशोधित करने का राइटर यहाँ पास एक सजेशन देते हैं, है ना, कि ये जो अपना पहली बात तो ये जो इसमें ये छह धर्मों की बात और ये तीन देशों से रिलेटेड जो बिल था तो इसमें क्या था कि हम इसके बारे में यदि इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा चलते हैं, तो जो 2016 में ये लाया गया था तो इसमें क्या था कि ये जो है तो पहली बात तो ये जो हमारा नागरिकता संशोधन नागरिकता का एक्ट जो था 1955, ठीक है, तो 1955 में ही संशोधन करके ये प्रावधान करने का
मतलब कि सरकार इसको प्रावधान करेगी, ठीक है। और दूसरी बात कि आर्टिकल 11 यदि बात करते हैं, आर्टिकल 11 के तहत सिर्फ और सिर्फ संसद को ये अधिकार है कि वो इस नागरिकता से संबंधित कोई भी विधान हो, नियम हो, तो बना सकती है ना, ये संसद के पास राइट्स हैं। तो इसी के संदर्भ में जैसे बात की जाए, तो इसमें से जैसे कि इनकी ये जो मतलब कि बिल लाया गया था उसी के संदर्भ में, तो यहाँ पर जैसे कि इसमें जब नए सिरे से इसको पेश किया जाएगा तो निश्चित तौर पर फिर से इसको संविधान में चुनौती दे दी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पास राइटर ने बोला है कि सजेशन दिया है कि पहली बात तो आप इस नागरिकता संशोधन से पहले संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत है ना, तो जिससे जो है तो आगे इसको ज़्यादा मतलब कि चुनौती ना दी जा सके। और चौथा उन्होंने मतलब कि सुझाव यहाँ पास राइटर के द्वारा दिया गया कि चूंकि धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर ही नागरिकता का प्रावधान होगा, तब इसके लिए जो धर्मांतरण की भी एक प्रकार से ये भी समस्याएं देखने को मिलेंगे कि ज़्यादा लोग धर्मांतरण की आड़ लेकर के नागरिकता लेने का प्रयास करेंगे, है ना। हालांकि कोई भारत में भी आने के बजाय अपने देश में धर्मांतरण करके भी मतलब कि उसको भी इम्पोर्टेंस दे सकता है कि वहीं रह जाए। तो वहीं इस तरह की भी आशंका व्यक्त की जाती है कि जैसे जो भारतीय नागरिकता के लिए क्या करें, कुछ लोग क्या करेंगे कि धर्म परिवर्तन कर लेंगे और जब नागरिकता मिल जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे, अपने मूल धर्म में वापस चले जाएंगे, है ना। तो इससे भी इस प्रकार की भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि एक प्रकार से आबादी में घुसपैठ का कानूनी जरिया एक प्रकार से बन जाएगा। तो इस कैब 2016 जो है, तो इसमें भी इस चीज़ का हालांकि प्रावधान नहीं है, तो इसमें भी इस चीज़ का भी प्रावधान करने की राइटर के द्वारा यहाँ पर सजेशन दिया गया है ना। साथ ही साथ जो है तो इसमें जो है तो संविधान में जो संशोधन करके आर्टिकल 11A के रूप में एक प्रकार से नए अनुच्छेद को जोड़ने की यहाँ पर सरकार मतलब कि राइटर के द्वारा वो अनिवार्यता बताई गई है ना। फिर नागरिकता अधिनियम में संशोधन के जरिए किसी भी देश में प्रताड़ित जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हैं और पारसी हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान करना होगा। पहले संविधान संशोधन आर्टिकल 11A में करने की बात राइटर करते हैं, उसके बाद फिर जो है तो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने की बात करते हैं, है ना। हालांकि लिए इसके कुछ सख्त प्रावधान भी करने होंगे, है ना, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जैसे कि कुछ सख्त प्रावधान के तौर पर किए जा सकते हैं कि जैसे कि उनको नागरिकता खोने का भी एक प्रकार से कड़े कानून हो, कि उसका यदि दुरुपयोग हो तो नागरिकता भी जा सकती है। साथ ही साथ उनके संपत्ति जब्त करने जैसे भी कानून बनाए जा सकते हैं। तो इससे क्या है कि लोगों को इसके दुरुपयोग करने से पहले एक प्रकार से भय रहेगा, तो निश्चित तौर पर इसका सही तरीके से इसका क्रियान्वयन हो पाएगा, है ना। और उचित व्यक्ति जिसको ज़रूरत होगी, है ना, जो वास्तविक इसका हकदार होगा, तो उसी को इसका बेहतर लाभ मिल सकेगा। और निश्चित तौर पर तभी ये कानून अपनी सार्थकता और निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य के लिए लाया जा रहा है तो वो तब एक प्रकार से उसकी सार्थकता सिद्ध होगी, है ना। तो इस आर्टिकल में इतने, हम चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आर्टिकल अपना जो है तो आरसीपी से रिलेटेड है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि आरसीपी से रिलेटेड, तो जैसे कि यदि आज हम वर्तमान के दौर में बात करें कि आर की परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार से बदल गई हैं कि जैसे आज जो है तो युद्ध जो है तो बोर्ड रूम में लड़े जाते हैं, ना कि युद्ध के मैदान में, है ना। यानी कि पूरा एक डायमेंशन ही चेंज हो गया है। जैसे कि व्यापार के माध्यम से लोग क्या करते हैं कि क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की भी स्थितियाँ हो गई हैं कि दूसरे देशों पर एक प्रकार से अपना वर्चस्व हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम चीन को ले सकते हैं, है ना। वहीं जैसे मुक्त व्यापार समझौते के लिए जैसे हम आरसीपी की बात करते हैं ना, तो रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, तो ये जो है तो क्या है, पहली बात तो इसके बैकग्राउंड में यदि बात करें तो इसमें जो है तो 16 देश शामिल हैं, है ना। इन 16 देशों में से 10 आसियान के देश हैं, प्लस 6 देश में से एक तो भारत है, ठीक है, दूसरा अपना दूसरा चीन है, थर्ड जापान है, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया है, फिफ्थ न्यूजीलैंड है, और एक सिक्स्थ दक्षिण कोरिया है ना। तो ये जो आरसीपी है, तो इसमें जो ये 16 प्रमुख जो देश हैं, तो उन्हीं इसकी जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की जो पहल है, तो ये मतलब की गई है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि मुक्त व्यापार से रिलेटेड ये है, एक प्रकार से पहल है, बेहतर वो है ना। तो इसमें जो है तो एक प्रकार से व्यापार में सामंजस्य और दुनिया के एक प्रकार से यदि हम इसके दायरे की बात करें तो लगभग लगभग विश्व की लगभग आधी आबादी का ये प्रतिनिधित्व करता है ये ग्रुप आरसीपी। साथ ही साथ यदि हम बात करें वैश्विक जीडीपी की बात किया जाए, तो वैश्विक जीडीपी का लगभग लगभग 33% जो है तो ये आरसीपी कवर करता है ना। मतलब कि इसकी हम इम्पोर्टेंस इसी से देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है ना, कितने बड़े वर्ग का ये प्रतिनिधित्व करता है।
तो हम यदि आरसीबी के संदर्भ में बात करें तो निश्चित तौर पर ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है ही, लेकिन इसके लक्ष्य को हासिल करने में कुछ समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं, है ना, कुछ चुनौतियां भी हैं, है ना। यह सच है कि आरसीपी की जो सफलता है उसमें लगभग लगभग 3.5 अरब लोगों का एक प्रकार से बाजार तो खुलेगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है ना, ये काफ़ी मतलब चुनौतीपूर्ण वो भी है। अब यदि देखा जाए कि राजकोषीय और सांस्कृतिक अंतर को पाटना तो मुश्किल है ना। प्रति व्यक्ति जीडीपी की हम बात करते हैं, इसमें से किस प्रकार थोड़ी सी कुछ असमानता इसमें है, इसलिए ये होते इस आरसीईपी के समझौते में गतिरोध देखने को मिल रहा है ना। और इस आरसीईपी के जो वर्तमान में जो चीज़ें टैरिफ से रिलेटेड चल रही है, तो उसमें भारत भी एक प्रकार से सहमत नहीं है ना, क्योंकि भारत को भी चिंता है कहीं उसके बाजार में जो, क्योंकि यहाँ पास कुछ इस प्रकार का डिस्कस मतलब कि बात हो रही है कि इसमें जैसे कि सभी देश हैं, है ना, तो वो सभी देश व्यापार में एक प्रकार से समान टैरिफ लगाएं, है ना। तो समान टैरिफ लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब कि असमानता की स्थिति होगी। कैसे, देखो यदि हम बात करते हैं कि जैसे कुछ गरीब देश हैं, है ना, कुछ उनको जो है तो भारत ने थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एक प्रकार से प्रेफरेंस दिया हुआ है कि वो ट्रेड कर सकते हैं, उनकी जो टैरिफ है ज़्यादा उनसे उनके उस पर नहीं लगाई गई है ना, तो उससे इम्पोर्ट तो कर रहा है। अब यदि हम बात करें चीन के संदर्भ में, है ना, तो चीन के संदर्भ में यदि देखा जाए तो यदि सब जब इस आरसीपी के समझौते से क्या होगा कि जब सभी देश एक ही तरह के समान टैरिफ लगाने लगेंगे, तो इससे क्या होगा कि चीन जो है तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है ना, तो क्या होगा कि जब समान टैरिफ होगी तो चीन के जो गुड्स हैं तो ये तो फिर छोटे छोटे देश है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि उनके मार्केट में जाकर के पूरी तरह से डंप कर देगा। तो भारत की यही आशंका है, भारत ने यही चिंता भी व्यक्त की है कि यदि इस प्रकार के मतलब कि समझौता हो जाता है तो निश्चित तौर पर चीन का माल पूरी तरह से भारत के बाजार में डंप हो जाएगा, तो जो कि मतलब कि भारत के व्यापार को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करेगा, है ना। तो इसी प्रकार की बाधा इस असमानता के यहाँ पास एक उदाहरण के तौर पे भी देख सकते हैं, है ना, कि जैसे राजकोषीय और सांस्कृतिक अंतर को यहाँ पास पाटना मुश्किल है। किस प्रकार से, जैसे कि प्रति व्यक्ति जीडीपी की यदि हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है तो यहाँ पास सबसे अमीर देश है इसमें, इन 16 में से, है ना। तो उसी में से यदि बात करें कि जो सबसे गरीब देश है तो उससे लगभग लगभग ये 50 गुना अधिक है, इस प्रकार से मतलब इतना वेरिएशन है। तो किस निश्चित तौर पर तो फिर समान टैरिफ तो उसका एक प्रकार से किसी भी प्रकार से तार्किक नहीं हो पाएगा, है ना, ये तो डायरेक्ट ही असमानता को ही ज़्यादा बढ़ावा देगा। साथ ही साथ ये देखा जाए कि वर्तमान परिदृश्य में जैसे संरक्षणवाद है और अमेरिका चीन के साथ जो व्यापार ट्रेड वार चल रहा है तो उसको देखते हुए समझौते के अंतिम रूप देना, तो हालांकि ये वर्तमान समय की मांग है ना, इसकी इंपॉर्टेंस तो आरसीईपी की बढ़ जाती है, लेकिन इसमें जो पूर्व की जो वैश्विक व्यापार की जो कुछ मतलब जटिलताएं हैं तो उसके भी समाधान की जो है तो एक प्रकार से भविष्य की दृष्टि का अभाव है ना। अब जैसे कि स्थानीय उद्योगों की जो पहलू की बात करें तो उसमें भी रक्षा के लिए अस्थायी निगरानी तंत्र को भी शामिल करना ज़्यादा मतलब कि ज़रूरी है। तब आरसीईपी की जैसे कि भारत के लिए विशेष रूप से बात करें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। चीन और अमेरिका के जैसे जिस प्रकार से दरार बढ़ रही है दोनों के बीच में, और एक जो दुनिया में एक प्रकार से बाइपोलर मतलब कि द्विध्रुवी बनने की जो स्थिति हो रही है, तो उसको रोकने में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है ना। तो यहाँ पर इसमें यदि बात करें कि ये एक प्रकार से आंशिक रूप से चीन के व्यापारिक आक्रमण को देखने की अपनी घरेलू मजबूरी से प्रेरित है, तो उसके घरेलू उद्योग को एक प्रकार से नुकसान पहुँचा रहा है ना। साथ ही एक अवसर भी है ये उधर साइड भारत के लिए। तो जैसे कि चीन के जो अपने शुल्क बढ़ा रहा है तो उससे जो है तो भारत को एक प्रकार से अवसर के रूप में इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि जैसे एक महत्वाकांक्षी नेतृत्व, एक बढ़ती अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी लाभांश के कारण जो है तो भारत अपनी ताकत और इच्छा शक्ति के बल पर निश्चित तौर पर इसका फायदा उठा सकता है ना, और ये भारत के लिए एक बेहतर अवसर के रूप में भी इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि कुछ जैसे वैश्विक विनिर्माण में हम बात करें तो हम मतलब काफ़ी पीछे हैं, लगभग लगभग वैश्विक विनिर्माण में भारत का मात्र 2% ही हिस्सा है ना। और एक रिपोर्ट के साथ एक अध्ययन के हिसाब से बात की जाए तो प्रत्येक 1% वृद्धिशील हिस्सेदारी से लगभग लगभग 50 लाख नौकरियाँ पैदा होती हैं, तो इससे भी जो है तो अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है इसमें वृद्धि होगी तो। और साथ ही यदि बात करते हैं कि भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि हम इतने बड़े मतलब कि उपभोक्ता बाजार होने के भारत पीपी वैसे भी 3rd नंबर पे आता है, तो इसके बावजूद भी भारत जो है तो व्यापार महाशक्ति नहीं है, है ना। एक प्रकार से
ज़्यादा कंट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है ना। तो हमें निश्चित तौर पे आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है और व्यापार परिदृश्य को एक नए आकार देने के लिए जो है तो एक अंतर्दृष्टि डिज़ाइन और वितरित करने की हमारी जो क्षमता है उसको भी ज़्यादा मतलब कि एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा उसकी भी महत्वपूर्णता है ना। और जो वर्तमान समय में जैसे कि प्रचलित श्रम कानून हो गए है ना, जटिल जो टैक्स सिस्टम है और जो हमारी एक प्रकार से जो है तो नौकरशाही की जड़ एक जटिलता देखने को मिलती है ना, तो ये जो है तो प्रतिस्पर्धा को केवल ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से कम कर देती है ना, समस्या पैदा करती है हमारे मतलब कि इस उसको अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसके अलावा जैसे और भी समस्याओं के तौर पे यदि देखा जाए तो जैसे कि मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है ना, और जो डंपिंग की समस्या है उससे भी जो है तो हमारी जो प्रतिक्रिया है तो एक प्रकार से डिफेंसिव मोड पे ही रहती है ज़्यादातर, तो जो कि पर्याप्त नहीं है। अब जब व्यापार समझौते अनुकूलन मतलब कि इसमें सीधी बात की जाए तो और अनुकूल होने चाहिए, लेकिन जो है तो अधिकांश समझौते ऐसे नहीं हो पाते हैं है ना, जैसे कि वो जैसे बड़े उसके ही इन्फ्लुएंस में होते हैं, जैसे कि चीन पर अक्सर छोटे देशों को भी धमकाने के आरोप लगते रहते हैं। जैसे कि भारत को भी इस प्रतिस्पर्धा में चीन से मुकाबला करने के लिए स्वयं को भी तैयार करने की ज़रूरत है ना। चीनी बाज़ार तक पहुंच के लिए जैसे चीन के साथ इस बातचीत व्यापार में सबसे कमज़ोर एक प्रकार से ये भी समस्या ही रही है कि जैसे कि इसका कारण भी ये भी हो सकता है, जैसे बीजिंग की जो संरक्षणवादी नीति है तो उससे जो है तो मतलब कि व्यापार घाटा ज़्यादा बढ़ रहा है ना, जिस प्रकार से उसकी नीतियाँ हैं। तो जैसे कि हम बात करें कि हमारे लगभग 105 अरब डॉलर के जो है तो आरसीपी व्यापार घाटा जो है उसका लगभग लगभग आधा हिस्सा तो चीन के साथ है ना, तो साथ ही किसी भी जो कोई बढ़ोतरी होती उससे जो आयात में वृद्धि भी हो सकती है, तो ये भी एक प्रकार से इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है। जैसे कि जो घरेलू उद्योग हैं उनको भी नहीं ये नुकसान इससे हो सकता है। चीन द्वारा जो शुल्क में कोई कटौती नहीं की जाती है, साथ ही हमारे जो मोल भाव की जो क्षमता है वो भी मतलब कम होती है, तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना यथोचित। तो क्योंकि हमने आरसीपी के सदस्यों के जैसे गैर शुल्क बाधा और उन पर भी बातचीत ही नहीं की है, तो इस संदर्भ में भी एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि ये तो फिर निश्चित तौर पर हितों को प्रभावित करता है। तो आरसीपी सदस्य देशों से जो आयात में वृद्धि के खिलाफ एक ऑटो ट्रिगर तंत्र तो अपने आप है ही नहीं, उसका प्रस्ताव तो है ही नहीं है ना। तो यदि बात करते हैं कि जैसे कुछ और भी जटिलताओं की बात की जाए तो जैसे कि कुछ जैसे बोझिल पंजीकरण प्रक्रिया है, लाइसेंस में अनावश्यक देरी होती है, तो उससे क्या है कि यहाँ पास जो है तो भारतीय दवा और बहुत से हमारे उद्योग तो हैं जो कि चीन के बड़े बाजार से ही बाहर हो गए हैं है ना, उसकी इस प्रकार से नॉन टैरिफ बैरियर इसको कहा जा सकता है कि इस वो मतलब कि इस प्रकार से कड़े प्रतिबंध इस तरह के लगा दिया है कि उससे जो है तो भारत के ये उद्योग वहाँ पास अपने पैर नहीं जमा पाए है ना। साथ ही साथ यदि हम और बात करें तो डेयरी है, धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन सहित जो तो कुछ ऐसे क्षेत्र उन्होंने तो सामूहिक रूप से चीन के प्रति अपनी समस्या भी अपनी चिंता भी व्यक्त की है। तो हालांकि इनकी वजह से जो सरकार जो भी तो इन क्षेत्रों में शुल्क कटौती पर जो सहमत नहीं होने के लिए एक प्रकार से प्रभावित भी हो गई है ना, इनकी चिंता व्यक्त करने के कारण। तो अन्य प्रमुख चिंताओं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा साझाकरण, स्थानीय आंकड़ा का भंडारण वगैरह है ना, उनकी भी आवश्यकता की मांग ये भी शामिल है इन चीज़ों पर। तो इससे भी जो है तो एक प्रकार से सीमा पर प्रवाह नियंत्रित होगा। इसी तरह जैसे डेयरी आयात का विरोध, जेनेरिक दवा तक पहुँच सुनिश्चित करना है ना, खनन मुनाफा का देश में ही बने रहना, साथ ही साथ जो है तो पानी, दूरसंचार, ऊर्जा, परिवहन जैसे जो प्रमुख अन्य भी क्षेत्र हैं तो उनके निजीकरण का उन्होंने विरोध भी किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है ना। साथ ही साथ जो है तो समाज में जो है आर्थिक असमानता को देखते हुए एक ये भी चिंता है कि इससे बहुत से लोग क्या होंगे, एक प्रकार से पिछड़ जाएंगे है ना, तो ये भी मतलब कि चिंता व्यक्त की गई। तो चीन जो है तो भारत संबंधों को बनाए रखना और विकसित करना वार्ता का एकमात्र यहाँ पास लक्ष्य तो है, ठीक ही है, लेकिन भारत जो है तो वैश्विक स्थिरता की सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारों को भी निभा सकता है यहाँ पास है ना। तो यहाँ पास मतलब कि भारत की जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है निश्चित तौर पे, और साथ ही साथ जो है तो भारतीय राजनेताओं को भी यहाँ पास समझना होगा कि जो आरसीपी वार्ता है वो अभिनव, समग्र और उच्च गुणवत्ता और साथ ही साथ पारस्परिक रूप से एक लाभप्रद आर्थिक भागीदारी है। तो इसलिए निश्चित तौर पे जो भी जटिलताएँ हैं उसको सॉर्ट आउट करके भारत को इस संदर्भ में एक सकारात्मक और एक रणनीतिक दृष्टि से बेहतर कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के लिए एक निश्चित तौर पर एक अवसर के रूप में भी है ना। तो निश्चित तौर पर ये जो तो हमारे मतलब कि व्यापार और वाणिज्य में एक प्रकार से अग्रणी रूप से यहाँ पास मतलब कि अच्छे अवसर के रूप में भी इसको देखा जाना चाहिए है ना। तो इस आर्टिकल में इतने ही, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे।
जो आर्टिकल ये है कि मीडिया से रिलेटेड आर्टिकल है, काफ़ी बेहतर आर्टिकल है ना, जनसंवाद की रास्ता। जैसे यदि बात करते हैं कि वैसे पत्रकारिता के संदर्भ में जैसे शायद अब है और नहीं भी है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो, जैसे कि यहाँ पास राइटर ने बताया है कि यहाँ पास पत्रकारिता शायद अब है और नहीं भी है ना, डाउट मतलब कि कंट्राडिक्शन बातें यहाँ पास की गई। जैसे ही कहा जाता है कि मीडिया की पहुँच और प्रभाव अंतिम व्यक्ति तक है और नहीं इस संदर्भ में है, क्योंकि पहुंच और प्रभाव होने के बावजूद मीडिया के पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है, है ना, यानी कि होने के बाद भी वो उसमें उस इतना ज़्यादा मतलब कि लिबर्टी, इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो अभिव्यक्ति बेहतर तरीके से कर सके। और निश्चित तौर पे मीडिया जो है तो अपने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है ना। तो और साथ ही साथ जो है तो अपने मतलब कि राइट टू एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 स्पेशल तौर पे उसी के लिए ये चीज़ें मतलब कि हैं कि आप एक प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो मतलब कि जब आप अपनी ही अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे भी आप स्वयं जिस उद्देश्य के लिए हैं तो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है ना। निश्चित तौर पे किसी न किसी इन्फ्लुएंस में एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रभावित इसको माना जा सकता है किसी दूसरी चीज़ से, है ना। तो वह तो वही सुन और कह रहा है जो उसके कान में और जुबान पर बाजार के कारोबार फूंक रहे हैं। मतलब कि एक प्रकार से इस मीडिया अपनी स्वतंत्रता को एक प्रकार से खो करके एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के काम कर रहा है ना। साथ ही साथ जो है तो यहाँ पास जैसे कि रेटर के द्वारा बोला है, मतलब कहा गया है कि बाजार मंत्र मीडिया जो है, तो बाजार मंत्र के तहत जो मीडिया है वो सरस्वती को छोड़ करके लक्ष्मी का भक्त हो गया है ना। एक प्रकार से कितना बेहतर तरीके से यहाँ पास राइटर ने बताया कि जो मीडिया अपनी स्वतंत्रता और अपनी बेहतर अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती थी, तो वो आज जो है तो एक प्रकार से पैसे के इन्फ्लुएंस में जो है तो पूरी तरह से आ चुकी है ना। तो वहीं जैसे कि पॉलिटिकल कॉमर्स या राजनीतिक वाणिज्य का जो बड़ा उद्देश्य है ना, और वह है कि व्यक्तिगत स्वार्थ को सार्वजनिक हित के रूप में पेश करना, उस पर तथाकथित तो जन उसको प्रायोजित करना और फिर उससे भरपूर लाभांश अर्जित करना, है ना। यानी कि एक प्रकार से जो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है तो उसको सामाजिक या सार्वजनिक स्वार्थ बना करके और उसको एक प्रकार से लोगों का परसेप्शन चेंज करना है, ये इस प्रकार से ये तरीका हो गया है। और अपनी पहुंच की वजह से वो एक प्रकार से जनमत संग्रह का भी ढोंग कर सकता है ना। ऑलरेडी मतलब कि मीडिया की पहुंच इतनी ज़्यादा होती है तो उसको जनमत संग्रह का रूप दे देते हैं, फिर स्वतंत्र स्तंभ होने का भी दावा कर देते हैं, उसके निजी स्वार्थ को सार्वजनिक हित का जामा पहना सकता है ना। यानी कि जो जो उसको राइट्स मिले हैं स्वतंत्र स्तंभ के तौर पे, तो उसको एक निजी स्वार्थ के रूप में उसको मतलब कि समेकित कर दिया जाता है और निजी स्वार्थ की पूर्ति की जाती है सार्वजनिक स्वार्थ के आड़ में, है ना, मीडिया के जरिए। इस तरह की घटना वैसे भी आजकल देखने को मिल भी रही है और हमारे ऐसे भी इसी संदर्भ में आया भी था, है ना, कि मीडिया की स्वतंत्रता से रिलेटेड लेकर के। अब यदि बात की जाए कि जैसे कि जन संवाद या पब्लिक डिस्कर्स की जो गंगा है उसको उल्टी बहाने की सोचना भी पत्रकारिता में पहले पाप माना जाता था, पहले पत्रकारिता का ये स्तर हुआ करता था, है ना। हालांकि पहले भी कुछ मीडिया में मतलब इस तरह के इन्फ्लुएंस मीडिया में था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था जिस तरह अब देखा जा रहा है। तो पत्रकार जो है तो हस्तक्षेप नहीं करते थे पहले, सिर्फ वो पब्लिक डिस्कस की रिपोर्ट करते थे, है ना, जो वास्तविकता होती थी जमीनी स्तर पे सिर्फ उसी पे बात करते थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे पत्रकारिता का एक स्वरूप चेंज होता गया और वो मीडिया हो गई, है ना, और पत्रकार जो थे वो मीडिया कर्मी हो गए और समाचार पत्र जो हैं वो न्यूज़ चैनल्स मीडिया आउटलेट बन गए। यानी कि पूरा का पूरा इनका जो उद्देश्य था वही बदल गया, है ना, इनके डायमेंशन ही बदल गए। वो कैसे, यहाँ पास जैसे राइटर ने बताया कि जो पत्रकार पहले लोगों से बैठ करके एक प्रकार से आत्मीयता से बातें करते थे, है ना, तो वो मीडियाकर्मी के जो बदले हुए अवतार के रूप में क्या हुए, वो जो है तो एक प्रकार से घर में घुस कर एक प्रकार से ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस मतलब कि लोगों का एक मत विभाजन करते हैं, है ना। और या तो उनको एक प्रकार से जब तक वो डर सहम करके चुप नहीं हो जाते, या कि वो फिर ज़बरदस्ती उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक उसमें एक प्रकार से अपने प्रभाव डालते हैं और उसी की उनको एक प्रकार से पैसे भी मिलते हैं, है ना। यानी कि एक बाजार के इन्फ्लुएंस में इस प्रकार से मीडिया को देखा जा सकता है। साथ ही बात की जैसे आज मीडिया खबरनवीस कम रह गया है और मत वक्ता ज़्यादा हो गया है ना। यानी कि जो मीडिया का काम है, मीडिया का काम मत वक्ता नहीं है, है ना, बल्कि वो बेहतर तरीके से
कवरेज करना है, जो समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, तो उसको एक प्रकार से सार्वजनिक मंच में उठाना है ना, और सरकार को उन चीज़ों से अवगत कराना है इसी के जरिए। लेकिन आज तो एक प्रकार से मीडिया जो है तो मतवक्ता के रूप में ज़्यादा हो गया है, साथ ही जो है तो खबरों को हाशिए पर टकेल करके मीडिया एक प्रकार से मत प्रवक्ता की भी भूमिका में देखने को मिल रहा है ना। साथ ही साथ ये देखा जाए तो बाजार के लिए जैसे लोकमत के भी एक प्रकार से लोकमत भी बनाने का प्रयास कर रही है मीडिया, वहीं जैसे कि शोर प्रायोजित किया जा रहा है, क्योंकि सबको चुप कराने के लिए कुछ लोगों को शोर मचाना भी जरूरी है ना, एक प्रकार से डायमेंशन ही चेंज कर देना लोगों को, एक प्रकार से दूसरी दिशा पे मतलब कि ध्यान आकर्षित कर देना। तो बाजार की जो हरकत तो एक प्रकार से मतलब कि इससे देखा ही जा सकता है। तो ये इसको बढ़ावा क्यों मिल रहा है, तो यहाँ पर सैटर्न ने इस चीज़ में मतलब कि इस चीज़ को बताने का प्रयास किया है कि इसके लिए जो है तो जो टोकने वाले हैं तो शून्य पड़े हों, मतलब कि इसके लिए कोई बोलने वाला बेहतर तरीके से नहीं है कि इनको सही दिशा मतलब कि इनको सही ढंग से मतलब बोल सके, है ना। तो वो तो एक प्रकार से शून्य अवस्था में है, इसीलिए जो है तो इस प्रकार से इतना ज़्यादा बाजार का इन्फ्लुएंस भी मीडिया में देखा जा रहा है। और वहीं जन चेतना लोकमत या पब्लिक इंटरेस्ट जो है तो उसको शून्य करना ही मीडिया का काम है ना, क्योंकि इसी अंधेरे में तो राज्य का व्यापार हो रहा है, हो सकता है। साथ ही मीडिया और बाजार की जो इस प्रकार की मतलब कि चल वर्तमान में जो चल रहा है, दोनों एक दूसरे के एक प्रकार से समकक्षी हो गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से गंभीर विडंबना भी एक प्रकार से हो गई है। जैसे पत्रकार का सीधा रिश्ता तो देश के नागरिक से था पहले, है ना, पत्रकारिता उसी के लिए है और उसी की है और उस पर ही निर्भर है ना पत्रकारिता। लेकिन यदि बात करते तो वो पर पत्रकारिता के जो मीडिया होते ही जैसे पत्रकारिता का डायमेंशन चेंज हुआ, तो उसने बाजार ने जो क्या कर दिया कि नागरिक को पब्लिक डिस्कर्स से अपहरित करके कर लिया, यानी कि लोकतंत्र से लोक को ही अपहरित करके तंत्र का बंदी है ना। यानी कि यहाँ से जो एक प्रकार से लोक के लिए था तो वही गायब होकर खाली तंत्र बचा है ना। तो पब्लिक और पब्लिक इंटरेस्ट लोकतंत्र के जीवन प्राण है जिस प्रकार से देखा जा सकता है, तो इन्हीं की वजह से वो चलता है और उस इन्हीं के वजह से एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो उसकी जो मेंटेलिटी है सोचता है तो इसी इन्हीं की वजह से एक प्रकार से जीवंतता है ना। अदरवाइज जो सार्वजनिक हित के बिना तो लोकतंत्र एक प्रकार से सड़ी हुई लाश है ना। मीडिया आउटलेट इसी लाश के गिद्ध हैं। दूसरी तरफ पत्रकार एक स्वस्थ नागरिक की रोशन आँखें, बातूनी जुबान और सार्वजन हिताय सोच है। बाजार लाश चाहता है तो पत्रकार जीवंत प्राणी है ना। वहीं इसी जद्दोजहद में जैसे पत्रकार की भूमिका सबसे अहम है, सार्वजनिक हित पर जो संकट है उसे किसी भी तरह हराना होगा और जनसंवाद में अपना स्थान बाजार से छीनना होगा, है ना। यानी कि इस प्रकार से मतलब कि मीडिया का जो इस इतना ज़्यादा मतलब कि बाजारवादी चीज़ें हावी हो गई हैं, तो इस इन्फ्लुएंस से मतलब कि बचाने के लिए निश्चित तौर पर इस एक प्रकार से जन चेतना की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो है तो उसको एक बेहतर तरीके से सही मार्गदर्शन की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ यदि हम हाल फिलहाल के यदि मीडिया के प्रचार प्रसार का जो मॉडल देखने को मिल रहा है, तो उससे तो हालांकि पूरी तरह से डायरेक्ट आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बाजार तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा संगठित हो चुका है ना। तो इसे निश्चित तौर पर यह है कि धीरे धीरे जो है तो उसको एक दिशा में लाया जा सकता है ना। वहीं पत्रकार को जनसंवाद में भी जनता को भी जोड़ना होगा। वस्तुतः जन भागीदारी ही स्वस्थ और निरपेक्ष पत्रकारिता का मूल मंत्र और ब्रह्म प्राण है। यानी कि इसमें से पत्रकारिता में क्या है कि जन भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, तभी जो है तो एक बेहतर तरीके से इसमें स्पष्टता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। इसी से एक अद्भुत लोकतंत्र की भी रचना हो जाती है ना। जब मीडिया एक प्रकार से अपनी सही और बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों को करेगा, है ना, जवाबदेही के साथ पारदर्शिता के साथ करेगा, तो निश्चित तौर पे इससे जो है तो सरकार की जवाबदेही भी बढ़ेगी, है ना, और इससे जो है तो हमारा लोकतंत्र जो है तो वो भी और भी ज़्यादा जीवंत तो होगा और बेहतर तरीके से काम भी करेगा, है ना। और पत्रकारिता भी तभी बेहतर तरीके से सही मायने में पत्रकारिता जो है तो अपनी सार्थकता भी तभी उसकी सिद्ध भी होगी, है ना। पर ऐसा होगा कैसे, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर राइटर ने बताया है कि जैसे टेक्नोलॉजी और पत्रकारों की जो साझेदारी से ही इस प्रकार की चीज़ें संभव हैं, है ना, यानी तकनीक का पत्रकारिता में समावेश करने से। क्योंकि अब ये तो पहले की बातें थी कि जब पत्रकार एक व्यक्ति विशेष होने की वजह से एक प्रकार से अलग थलग हुआ करते थे, वर्तमान में तो तकनीक का स्तर इतना ज़्यादा हो गया कि आज उसे अपने जैसे लोगों से और लोक समूह से जुड़ने का एक प्रकार से बेहतर एक मंच प्रोवाइड करवाते हैं तकनीक, है ना। वह मंच के लिए जैसे मीडिया आउटलेट पर निर्भर नहीं, बल्कि आज भी और भविष्य में और ज़्यादा इस प्रकार के ऐसे मंच होंगे जिनका प्रसार और प्रभाव बहुत
मतलब एक प्रकार से पहुंच मीडिया आउटलेट से कम नहीं होगा, मतलब कि बेहतर तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करके बेहतर पत्रकारिता को हम विकसित किया जा सकता है ना। और आज अकेला, हालांकि कोई अकेला मतलब कि पूरी तरह से ये काम नहीं कर सकता है, लेकिन जब लोग इंटीग्रेट होकर के एकीकृत हो जाएंगे पूरी तरह से, तो कई मिलकर के निश्चित तौर पे इसमें बेहतर तरीके से इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। वस्तुतः कल की जो पत्रकारिता मत वक्त और सूचना प्रधान मीडिया आउटलेट से हट करके अब सामुदायिक बातचीत के मॉडल पर आधारित होगी। पत्रकार इस बातचीत का जरूरी हिस्सा होंगे और वे जो जन चेतना, जो जन समस्याएं हैं, जन जन करलव है, तो उसको एक प्रकार से बड़े लोक संवाद से भी उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, है ना। दूसरे शब्दों में जैसे पत्रकार की भूमिका किसी मॉडरेटर की तरह होगी, जो हर तर्क को मौका देगा, एक तर्क को दूसरे तर्क से जोड़ेगा और फिर बातचीत में भागीदारों के विशेष जो बिंदु हैं उनसे उन्हीं की बात का उन्हीं के लिए निष्कर्ष निकालेगा। इसी से हर नागरिक को अपनी नागरिकता का पूरा लाभ और संतुष्टि मिलेगी तथा पत्रकारिता को उसकी गरिमा, विश्वसनीयता और चौथा स्तंभ होने का वास्तविक गर्व होगा, है ना। तो बस आज के इस आर्टिकल में दोस्तों इतना ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और निश्चित तौर पे इस वीडियो से संबंधित जो भी आपकी क्वेरी हैं तो आप कमेंट करें, है ना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।